जय जगन्नाथ, जय पंच सखा। सत्यवंज के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो सत्यवंज जी और दीपक अग्रवाल जी के पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैन एलन बेल्ट 150 साल का जो मैग्नेटिक बेल्ट वीकनेस, CME कोरोनल मास इजेक्शन, साउथ अटलांटिक एनोमली, सन साइकिल ईयर जो 11 साल का होता है, सन स्पॉट्स, पोल शिफ्ट्स के बारे में बात किए थे और आप लोग ये सब गूगल यूट्यूब में सर्च करके देखे होंगे और अगर नहीं किए तो आप करके देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दीपक जी आगे कहते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट जो सूर्य का अध्ययन और स्टडी कर रहे हैं और डेली बेसिस में डेटा भी भेज रहे हैं, हर एक सौर तूफान का इंटेंसिटी और तीव्रता और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सब एक डिटेल्स उन लोग कैप्चर करते हैं और डेली बेसिस में डेटा भेजते हैं। एक वेबसाइट भी है जहां ये सब अपडेट होता रहता है और वैज्ञानिक इन सब डेटा के आधार पर कह रहे हैं, अगर कोई बड़ा सौर तूफान आता है और पृथ्वी को हिट करता है तो पोल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 25% और 25% मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो गया है और बहुत तेज़ी से और ज़्यादा कमज़ोर भी हो रहा है। 1859 में साइंस में दर्ज किए गए इतिहास में, साइंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सौर तूफान आया था और उसको हम कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं था, बस टेलीग्राम का जस्ट शुरुआत हुआ था और टेलीग्राम का तार ज़मीन से 8 से 10 फीट नीचे से जाता था और जब सौर तूफान हुआ था तब वो तार सब जल गए थे। कैरिंगटन इवेंट एक ऐतिहासिक इंटेंस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो तीव्र भू चुंबकीय तूफान था, जो 1 और 2 सितंबर 1859 सोलर साइकिल 10 के दौरान हुआ था। उससे ना कि टेलीग्राफ सिस्टम को बर्बाद कर दिया था बल्कि लोग जो उसे यूज़ कर रहे थे उनको भी शौक लगा था। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने एक धमाका देखा था जो कि सफ़ेद रोशनी जैसा था सूर्य के सतह में और उनके खोज के लिए ये पूरा इवेंट कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। इस इवेंट में रात में भी दिन के जैसे लोगों को दिखाई देता, रोशनी रहता रात में भी। और एक इवेंट जो कि साइंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में और साइंस में कभी दर्ज नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं मिया की इवेंट, जो 12 टाइम्स हो 12 गुना इस इवेंट से और कैरिंगटन इवेंट से ज़्यादा तीव्रता, जो 774 CE में हुआ था। वैज्ञानिक इसका पता आर्कटिक क्षेत्र के आइस कोर से पता लगाया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर 1859 जैसा अगर सौर तूफान होता है तो हम सब स्टोन एज पे चले जाएंगे, पूरा दुनिया में ग्रिड फेलियर, पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट हो जाएगा, कोई इंटरनेट नहीं रहेगा, सब सर्किट जल जाएगा। महाप्रभु ने भी मालिका में यही लिखा है, सौर तूफान होगा तब बंद होगा इंटरनेट, बंद होगा बैंकिंग सिस्टम, सैटेलाइट कनेक्शन बंद हो जाएगा, मोबाइल लोगों के हाथों का खिलौना बन जाएगा, पावर ग्रिड भी बंद हो जाएगा और पूरा अंधेरा हो जाएगा। ये सब कुछ वैज्ञानिक भी बोल रहा है, साइंस भी बोल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तो कभी ना ही भविष्यवाणी का उन्होंने पढ़ा है ना कभी सुना है। ये सब आप जो हम लोग बोल रहे हैं, जो साइंस का जो पाठ हम बोल रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं यूट्यूब में और ऑनलाइन में भी आप सब सर्च करें तो आप सब देख सकते हैं। एक यूट्यूबर है सस्पिशियस ऑब्जर्वर, उन्होंने ये सब अपने वीडियो में भी बताया है। दीपक जी आगे कहते हैं, ये जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, ये अगर 1859 के जैसा सौर तूफान होता है तब, लेकिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 2025 में अगर सौर तूफान आता है वो 1859 से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा सौर तूफान होने वाला है। अगर 1859 जैसा होता है तब पूरा पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उससे अगर बड़ा होता है तो सब बंद सर्किट भी जल जाएगा। सत्यवंज जी पूछते हैं, तो दीपक जी आपका रिसर्च क्या कहता है? तब दीपक जी कहते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी की रक्षा करती है, हमारे पूरे लाइफ का, पूरे इकोसिस्टम का रक्षा करती है। अगर सूर्य की हानिकारक किरणें सीधा हमारे शरीर पर गिरता है तब वो अब हमारे DNA को भी चेंज कर सकता है,
अगर वो हमारा डीएनए चेंज कर देगा तब हमारी ज़िंदगी को बनाए रखने वाले जो सस्टेनेबल, हम इतना सस्टेनेबल नहीं हो सकेंगे, हम नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी बस 25% चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो गया है, जिससे बहुत हानिकारक किरणें बहुत इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग पर बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं, रेडिएशन भी हो रहा है, रेडिएशन के जाते जाते हम लोग का हार्ट अटैक भी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम, ये सब अभी बहुत हो रहा है और हर दिन ये बढ़ता भी जा रहा है। ये सब चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होने के लिए ही हो रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो है नेविगेशन। जैसे हवाई जहाज, स्वचालित वाहन, जानवर, मछलियाँ, तो इन सब को भी बहुत परेशानी हो रही। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पे इफ़ेक्ट होता है, जब कमज़ोर हो रहा है, तो वो क्या करता है, आपका जो नेविगेशन उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, तो ये सब सिस्टम पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहा है और आगे जो होता भी रहेगा, तो इन सब पर गहरा असर करेगा, पड़ेगा भी, क्योंकि ये सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब होने के बाद से आपको वो नेविगेशन में एरर आता रहेगा, आपको सोच लिए एक डायरेक्शन में जाना है लेकिन आपको दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा होगा, तो ये सब कन्फ्यूजन स्टार्ट होता रहेगा और हो भी रहा है। पिछले कुछ सालों में आप देख भी सकते हैं, जैसे व्हेल, टॉर्टोइस और बहुत सारे जीव कन्फ्यूज होकर रास्ता भूल जा रहे हैं, बल्कि ये सब तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इन लोग प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। हम न्यूज़ में भी बहुत सुन सकते हैं कि कुछ साल ही पहले कुछ व्हेल समुंदर किनारे मरे पड़े मिले, टॉर्टोइस गलत जगह पहुंच गए, बहुत सारे पंछी जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, जो बहुत किलोमीटर जाते हैं माइग्रेट करते हैं, वो भी अपना रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। और तो और यूके में एक दो साल पहले एक फ्रंटलाइन न्यूज़ बना था, 9000 के आसपास कबूतर रेस कर रहे थे, और नॉर्मली जब रेस होता है तो 8-10-12 मैक्सिमम 10-15 कबूतर ही रास्ता भूलते हैं, लेकिन यहाँ पर 9000 कबूतर से 5000 कबूतर अपना रास्ता भूल गए, तो ये बहुत बड़ा रेशियो है। तब उन्होंने जब रिसर्च किया तब उनको पता चला कि ये सब मैग्नेटिक क्षेत्र के कमज़ोर होने के कारण इन लोग का जो नेविगेशन सिस्टम है कबूतर का, वो उन लोग कन्फ्यूज कर गए, जिसके वजह से उन्होंने रास्ता भी भूल गए। आप सब ये पिजन रेस इन यूके एनोमली सर्च करने से गूगल में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो सब पशु पक्षी जो इन लोगों में बहुत बिहेवियरल चेंज हो रहा है और हो जाएगा भी। तो महापुरुष ने मालिका में लिखा है, जब सब जानवर इंसानों के जगह आ जाएंगे, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये क्यों हो रहा है, मतलब ये महापुरुष ने जो लिखा है इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, अब आपको पता चल जाएगा, अब चल रहा होगा इसके बारे में। तो सब जानवर हमारे इकोसिस्टम और प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, अपने घर का रास्ता वो खुद याद रखते हैं और ठीक से पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होने के कारण इन लोग का नेविगेशन पावर पर बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, इन लोग भटक जा रहे हैं अपना रास्ता, तो ये उधर उधर रास्ता भटक जा रहे हैं। ये सब इंसानों के साथ भी होगा, ये ना कि जानवर के साथ होगा, इंसानों के साथ भी होगा, हमारे ब्रेन पर बहुत असर पड़ेगा। और सिंस हम लोग एक बुद्धिजीवी जानवर हैं, तो हम लोग की बुद्धिजीवी पर भी बहुत असर पड़ेगा, मेंटल प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, ये अभी बहुत हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं बहुत लोगों का मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब इसके कारण ही हो रहा है। तो जो अगर थोड़ा वीक होगा उस पर असर पड़ रहा होगा कि आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जो स्ट्रांग है तो वो थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं, और कुछ सालों में, एक दो सालों में सबको इफ़ेक्ट करने लगेगा। ये आखिर इंसान एक सिविलाइज्ड एनिमल ही है, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल और हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट और असर करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र हम सबको प्रोटेक्ट रक्षा करती है, और ये अगर कमज़ोर हो जाएगा और जो कमज़ोर हो भी गया है, तो ये हानिकारक किरण जो सूर्य से आता है वो इसके अंदर छेद करके आ जाएगा और हमारे शरीर पर पड़ेगा, और हमारा शरीर पे का जो डीएनए है उस पर तो असर करेगा ही, उसको छोड़ के ये वाटर लेवल, हम लोग का जो 72% ऑफ वाटर लेवल है हमारे बॉडी पर, उसके ऊपर भी असर करेगा ये।
अब देखना, पहले हम जब बाहर निकलते थे धूप में इतना दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अभी अगर हम निकलते हैं तब ये धूप बहुत चुभता है हमको। सोचिए, अभी बस 25% ही मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हुआ है। अगर वो 50-60% कमज़ोर हो जाएगा तब क्या होगा? पूरा पृथ्वी पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ना कि इंसानों पर, पशु पर, पूरे नेचर पर, पूरे इकोसिस्टम पर वो इफ़ेक्ट करेगा। आप सब गूगल में चेक करना जो जो बोला गया है, कैरिंगटन इवेंट, साउथ अटलांटिक एनोमली, मैग्नेटिक फील्ड वीकेंड, आप सबको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये सब हम एक सारांश और समरी बोल रहे हैं आपको, तो ये बहुत बड़ा और बहुत वास्ट नॉलेज है। और बेसिकली आप इस पर जितना रिसर्च करते जाओगे आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। दीपक जी ने 8 से 10 साल का रिसर्च किया है इसके बारे में। दीपक जी आगे कहते हैं कि सुन के आश्चर्य लगता है कि एक साधु जो महापुरुष श्री अच्युतानंद दास हैं, उन्होंने कैसे 600 साल पहले ये सब सटीक लिख के गए थे, इतना एक्यूरेट भविष्यवाणी। दीपक जी एक साइंस के स्टूडेंट है और वो अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया इन सब के बारे में, और रिसर्च करते करते उनका 8 से 10 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जब कुछ साल पहले एक भविष्यवाणी का जो वीडियो देखा, और उनका रिसर्च और साइंस का जो रिसर्च, उनका रिसर्च जो वो साइंटिफिक वे में रिसर्च किए हैं, उनका रिसर्च और भविष्यवाणी का जो रिसर्च है और जो महापुरुष ने लिखा है वो सब सेम है। तो साइंस के दृष्टिकोण से देखे और मालिका के दृष्टिकोण से देखे सब समान है, और तो पूरा टाइमलाइन भी सेम है और समान है। जो कि साइंस बोल रहा है 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ मालिका में लिखा है 29 मार्च 2025 से मीन शनि का योग शुरू होगा, जो 2025 है। तो साइंस और मालिका दोनों का टाइमलाइन भी सेम है। तो यहाँ सत्यवंजय जी पूछते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो महापुरुष ने लिखा है कि बदल जाएगा ऋतु चक्र, 2030 के आसपास भारत के 13 शहर जलमग्न जल में समाहित हो जाएंगे, और तो और पृथ्वी के 130 शहर जल में समाहित हो जाएंगे। तब दीपक जी बोलते हैं बदल जाएगा ऋतु चक्र, ये तो हम पेड़ भी नहीं बचेंगे, पेड़ वेड़ भी नहीं बचेंगे। आप जो देख रहे हैं ऋतु चक्र, जैसे हम लोग पेड़ वेड़ भी काट देते हैं और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ भी सूख रहे हैं, तो ये ऋतु चक्र का ही इफेक्ट है। तो साउथ अटलांटिक एनोमली हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है, जो ऋतु चक्र को परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे जैसे ये कमज़ोरी बढ़ती जाएगी वैसे जैसे ऋतु चक्र में बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक एक दिन में 3-4 ऋतु आप देख सकते हैं। दूसरा, जो शहर में शहर जब जल में समाहित हो जाएंगे उसके बारे में दीपक जी कहते हैं, तो इतना डिटेल्स में उनका पता तो नहीं है, लेकिन जो पोल शिफ्ट होगा तब नए ज़मीन ऊपर उभर के आ जाएंगे, पुराने जल में समाहित हो जाएंगे, पूरा पृथ्वी उलट पलट जाएगा, जो पुलिन सर ने भी बोला है, और ये सब साइंस भी बोल रहा है। अगर आप सस्पिशियस ऑब्जर्वर के वीडियो को देखेंगे, वो तो भविष्यवाणी का भी नहीं जानता है, ना ही वो सनातन धर्म के बारे में जानता है, वो पूरा साइंटिफिकली सब कुछ बोलते हैं, और उनके वीडियो में सब कुछ साइंस के आधार पर साइंटिफिकली सब कुछ उन्होंने बोला है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं आपको लगेगा जैसे महापुरुष अच्युतानंद दास ही बोल रहे हैं, जैसे ATM बंद हो जाएगा, जल प्रलय होगा, सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, इंटरनेट बंद हो जाएंगे, जैसे हम लोग एक स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, और ये सब मालिका में महापुरुष ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब सौर तूफान होगा, बड़ा सौर तूफान आएगा, तब वैन एंडर बेल्ट कंप्रेस और संकुचित हो जाएगा, और तब अगर सैटेलाइट हमारे जो वैन एंडर बेल्ट के अंदर घूमते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और गिर जाएंगे कोलैप्स होकर। तो जितने भी सैटेलाइट हैं सब कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएंगे, और अगर सैटेलाइट नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं होगा, नेविगेशन नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सौर तूफान अगर चुंबकीय क्षेत्र को फाद कर अंदर घुस जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सब जल जाएगा, इलेक्ट्रिकल ग्रिड सब जल जाएगा, और पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो साइड सूर्य की तरफ होगा उस समय, उस तरफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, वहाँ का तापमान भी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सोच लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर आपका 30 से 40 डिग्री होता है, तब वो 4-5 गुना बढ़ जाएगा। और अगर बस कुछ समय के लिए भी अगर हम सोचें तो 100-150-200 डिग्री तक बढ़ जाता है तो सब जल जाएगा। अगर हम धर्म और रिलीजियस डेटा देखेंगे तो ये सब हमको पहले से पता था, जैसे महापुरुष ने मालिका में लिखा था, जो 600 साल पहले लिखा था, उस वो सब लिखने के बाद भी हम उन पर कभी विश्वास नहीं कर पाए। अब तो साइंस भी बोल रहा है, साइंस के पास कितना 150-150 साल का ही डेटा होगा, तो साइंस भी यही बोल रहा है, यही डेटा दे रहा है, जो कि चुंबक की शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, सौर तूफान आएगा, फिर तापमान बढ़ जाएगा, प्रलय आएगा, कैरिंगटन इफेक्ट जैसा, ये सब डेटा भी हमारे पास है और साइंस भी बोल रहा है, और यही चीज़ मालिका ने भी बोला था। इसके बावजूद भी ना हम मालिका पर विश्वास करते हैं, ना हम साइंस के ऊपर भी इतना विश्वास करते हैं। हाँ चलो हो रहा है, होगा, जो होगा देखा जाएगा, हम ये सोचते हैं। वैज्ञानिक अभी बोल रहे हैं कि सोलर जनरेटर, सोलर टॉर्च, बैटरी, मेडिसिन, ड्राई फ्रूट्स, खाना के इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होगा तो तब समुंदर, डैम, नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो उन लोग बोल रहे हैं कि समुंदर, नदी, डैम से थोड़ा दूर जाके पहाड़ के तरफ रहने के लिए, थोड़ा ऊँचे जगह रहने के लिए, क्योंकि जब ये घटनाक्रम होगा तब आपके पास समय नहीं होगा, बहुत गर्मी ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगा, पानी का स्तर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, बड़े सुनामी होंगे, भयंकर बाढ़ आएंगे, जल प्रलय होगा, तापमान बहुत बढ़ जाएगा, समय नहीं मिलेगा। ये सब घटनाक्रम से बचने के लिए बहुत लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं और बहुत प्लान कर चुके हैं। दीपक जी बोल रहे हैं कि वो कलकत्ता में रहते हैं और मालिका में लिखा है कि कलकत्ता सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो भी कहीं सेफ जगह शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सस्पिशियस ऑब्जर्वर ने एक वीडियो में उन्होंने एक सेफ जोन करके बताया था, भारत में ऊपर नॉर्थ का पार्ट, जो उत्तराखंड उस तरफ ऊपर नॉर्थ का पार्ट उन्होंने वर्णन किया है, जैसे दिल्ली से ऊपर का पार्ट। पृथ्वी जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और समुंदर हर जगह फैल जाएगा, तो सस्पिशियस ऑब्जर्वर बोल रहा है कि बे ऑफ बंगाल हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और साउथ अमेरिका का पेरू हमारा साउथ पोल हो जाएगा। उन्होंने ये जो बोला है, ये सब जो पोल शिफ्ट हो रहा है उसका प्रक्रिया को देखकर, प्रोसेस को देखकर और पृथ्वी का झुकाव जो बढ़ रहा है उसको देखकर उन्होंने बोला है। भविष्य मालिका में भी लिखा है कि 12 फुट का बर्फ गिरेगा पूरी भुवनेश्वर के उस तरफ। ये तभी मुमकिन है जब बे ऑफ बंगाल नॉर्थ पोल हो जाएगा, पूरी मंदिर में भी, पूरी मंदिर भी बंद हो जाएगा, भगवान को भोग भी नहीं लगेगा, तो ये सब होने वाला है फ्यूचर में। चाहे जितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, वो इंसान ही तो है, और कोई भी इंसान 100% नहीं बोल सकता है कि ये जगह सेफ जोन है। लेकिन फिर भी सस्पिशियस ऑब्जर्वर ने एक वीडियो दिया था सेफ जोन करके, और उन्होंने बोला है कि ऊंचे जगह जैसे पर्वत के जैसे आपको ऊंचे जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ समुंदर का पानी जो ये घटनाक्रम के बाद 150-200 फीट तक आ जाएगा, जो पुलिन सर ने भी बोला है मालिका का रिसर्च करके। तो जब वो आएगा तो वो समुद्र का पानी आएगा और सेकंड फेज में वो पीछे की तरफ भी आ जाएगा, जैसे हम लोग टाइड के समय, ज्वार के समय देखते हैं ना, पानी आता है फिर पीछे जाता है, तो वो दो घटनाक्रम होने वाला है। तो उसको नज़र रखते हुए उन्होंने बोला है कि पहाड़ के ऊपर के जगह थोड़ा सेफ होगा। ये सब इतना कुछ बोलने के बाद भी, जो मालिका बोल रहा है, साइंस बोल रहा है, फिर भी लोगों में वो विश्वास नहीं है कि ये होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होगा तो कोई बिलीव नहीं कर रहा, कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है। जो अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले लिखा था मालिका में, और वो आगे होने भी वाला है। दोस्तों ये सब आपको डराने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जो मालिका में लिखा है वही हम साइंस भी बोल रहा है अभी, और हम साइंस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं। हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा मालिका के ऊपर वीडियो पोस्ट किए हैं, जहाँ पुलिन सर जैसे दिग्गज लोग जो 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं मालिका के ऊपर, और दीपक जी जैसे लोग जो 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिकली, और इन दोनों का परिणाम भी एक ही है, आउटकम दोनों का एक ही है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसका तीसरा भाग भी बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए सब भगवान का नाम लेते हुए और जीवन को सार्थक करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।